हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल राकेश पाल ब्लॉग्स। आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। आज बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिला है तो सोचा कि एक छोटे मोटे राइड कर लो। तो आज हम जाने वाले हैं बोगीबिल ब्रिज। तो आप सभी को दिखाते हैं आगे का नज़ारा और बहुत ही सुंदर होने वाला है आज का राइड। तो बने रहिए वीडियो में और आप लोगों के साथ मिलते हैं रास्ते में। सो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं रास्ता में फुल ऑन सेटअप के साथ। मेरा हेलमेट का माउंट पहले ही मंगा लिया था मैंने, तो उसका टेस्ट भी नहीं किया था, इसलिए आज मतलब टेस्ट वीडियो भी हो जाएगा और साथ में घूमना फिरना भी हो जाएगा, इसलिए आज निकले हैं राइड में। बहुत दिनों के बाद आज राइड में निकले हैं, बहुत दिन बीच में ब्रेक हो गया था। तो मेरा पीछे बैठा हुआ है मेरा भाई, तो वो भी आज मेरे साथ राइड करने वाला है। अभी मैं चला रहा हूँ बाइक, थोड़ा बाद में फिर वो भी चलाएगा। सो गाइज, हम लोग अभी पहुँच चुके हैं आकाजान तिनियाली। यहाँ से आपका रास्ता मतलब डिवाइड हो जाता है, एक जाता है सिलापत्थर का और एक जाता है आपका पासीघाट और धेमाजी। मेरा लेफ्ट साइड में जा रहा है अभी ये पासीघाट जाएगा और हम लोग अभी जा रहे हैं राइट साइड में बोगीबिल का तरफ। सो ये है गाइस उलाजान तिनियाली। यहाँ से डिब्रूगढ़ और धेमाजी का रास्ता अलग हो जाता है, एक जाता है डिब्रूगढ़ की तरफ और एक जाता है धेमाजी तेजपुर गुवाहाटी की तरफ। मेरा लेफ्ट साइड में जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है डिब्रूगढ़ तरफ, डिब्रूगढ़ होके आपका जोरहाट, फिर उधर से गुवाहाटी भी जा सकते हैं, और सीधा रास्ता जो है वो जा रहा है लखीमपुर धेमाजी और तेजपुर होके गुवाहाटी। अभी हम लोग जाएंगे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट जो रास्ता जा रहा है ये जा रहा है आपका डिब्रूगढ़। राइड हो चुका है चेंज, तो मेरा भाई अभी राइड कर रहा है, तो अभी जाएंगे सीधा बोगीबिल ब्रिज, तो वहाँ का नज़ारा दिखाएंगे आप लोगों को, थोड़ा फोटो खींचेंगे। वो जो गाइस दूर में दिख रहा है रास्ता जो है वो पहले मतलब बोगीबिल ब्रिज तक जाने वाला पुराना रास्ता था, छोटा रास्ता था। तो हम लोग अभी रुके यहाँ पे रास्ते में थोड़ा रेस्ट करने के लिए, तब थोड़ा राइड में ब्रेक लेने के लिए। और मेरा भाई जो ये क्या कह रहा है, इसको हिंदी में क्या बोलता है हम लोग को नहीं मालूम, और किसी को मालूम हो तो कमेंट करके बताओ हम लोग को इसका नाम क्या है। असमी इसमें इसको बोगोरी बोलते हैं, बोगोरी। तो हिंदी का अगर किसी को पता है तो हम लोग को कमेंट करके बता दो। कहाँ जा रहे हो, किधर जा रहे हो? और इधर भी एक और पेड़ है, तो इधर पका होगा कि देख रहे हैं, पका होगा क्या? पका है क्या इधर? रो तो हमको भी एक टू खा के देखते हैं कैसा लगता है, मीठा है ना क्या खट्टा है। भाई कहाँ घुस गए जंगल में? वो देखो भाई कहाँ जंगल में घुस गया भाई, यार हमको भी अभी जंगल में घुसना पड़ेगा। तो भाई इधर देखिए ये सब पक्का पक्का है, हाथ से मिलेगा, देखते हैं, कोशिश करते हैं हाथ से निकालने के लिए। ओ भाई भाई थोड़ा हाँ एक टू मिल गया पक्का वाला। भाई मिला है क्या तुमको? मिला है हमको तो भाई, एक तो मिला है। कहाँ गया तुम, किधर घुस गया रे? ये तो पूरा गुफा जैसा लग रहा है। ओ भाई ध्यान से, काटा वाटा लग जाएगा पैर में। तीन ठो मिला है, तीन ठो मिला है। आ भाई हम तो निकल रहे रे। तो वैसे एक तो मिल गया फाइनली, और ऊपर भी है और पक्का वाला। गाइस देखिए सरसों का खेत पूरा मतलब येलो येलो हो चुका है चारों तरफ, इतना सुंदर लग रहा है दिखने में। तो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं शीतलमारी बोलते हैं ये जगह को, शीतलमारी। ये देखिए बोर्ड जो है लिखा हुआ है, और यहाँ पे चारों तरफ खेती लगा हुआ है, तो उस तरफ आगे भी और खेती कर रहे हैं आदमी लोग। ठीक है चलते हैं आगे और आगे जाएंगे। सो गाइस फाइनली हम लोग बोगीबिल ब्रिज पहुँच चुके हैं। तो इधर देख सकते हैं मेरा पीछे ये जो पूरा ब्रिज है, नीचे से आपको जाता है ट्रेन और ऊपर से जाता है बस, ये मतलब दोनों डबल डेकर ब्रिज है।
तो गाइस हम लोग अभी आया था यहाँ पे, जो ट्रेन का लाइन है यहाँ से जाता है, हाँ। यहाँ पे भी देखिए मेरा पीछे जो है पूरा ब्रिज का जो है ऊपर से जाता है। तो यहाँ पे एक केस हो गया कि मतलब अंदर जाने की कोशिश कर रहा था हम लोग, तो पीछे एक पुलिस भैया है तो उसने मना कर दिया जाने के लिए। पहले हम लोग फिर से नीचे जा रहे हैं, नो एंट्री, इधर भी लिखा हुआ देखा गाइस नो एंट्री। भाई कोई गलती मत करना, मत आना यहाँ पे। तो गाइस देख लीजिए आप सबके लिए क्या क्या बनना पड़ता है। ये देखिए आज हम क्या बोलते हैं इसको, बोट चला रहा है, छोटा मोटा एक बोट चला रहा है, हाथ से चलाने वाला है ये। हिम्मत नहीं हो रहा है मेरा आगे जाने के लिए, मतलब एकदम डर लगता है पानी से, हमको बहुत डर लगता है, इसलिए मतलब किनारे में ही थोड़ा प्रैक्टिस कर रहा है। गाइस अभी ये मेरा भाई जो है ये बोट चला रहा है, बहुत ही रिस्की मामला भाई, थोड़ा भी इधर उधर पलट जाएगा, इसलिए बहुत रिस्की। हम बोल रहे हैं इसको, मान जा भाई, मान जा रुक जा भाई, नहीं तो हमको उतार दे सर, मतलब हिम्मत मानना पड़ेगा। लड़का छोटा सा है लेकिन मतलब हिम्मत है भाई, मान गया इसको। मेरा तो हिम्मत नहीं हो रहा था लेकिन ये इसका हिम्मत हम मान गया, वहां तक ले चला गया था। और ये हम बोल रहे हैं इसको, नहीं नहीं भाई रिस्क मत लो, छोड़ दो, इसलिए अभी रिटर्न आ गया, तो वहां तक चला गया था। लोग ये बोट लेके ही मतलब मछली पकड़ता है, तो इधर भी मतलब वो लोग मछली पकड़ पे फिर अभी रिटर्न आ रहे हैं शाम को घर पे। सो गाइस फाइनली शाम हो चुका है, यहाँ पे आया, बहुत ही मजे किया। उधर हम बोट चलाया, पहली बार मेरा लाइफ का पहली बार हम बोट चलाया, और मेरा भाई भी था साथ में और ये भी बोट चलाए, बहुत ही मज़ा किया, बहुत ही एडवेंचर हुआ आज। तो ऐसे ही एडवेंचरस वीडियो आगे भी आते रहेंगे। आप भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिए ताकि नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको जल्दी जल्दी मिल जाए। तो गाइस फाइनली शाम हो चुका है, तो हम लोग भी घर जाने के लिए निकले हैं अभी। तो आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आप सभी के साथ अगली वीडियो में। टाटा बाय बाय।